हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जहाँ भाई ने अभी तक सब्सक्राइब ना कर हो चैनल मैनो लाइफस्टाइल, जाके सब्सक्राइब कर लियो और भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लियो। जो आज को वीडियो को कॉन्सेप्ट है वो है कि आप मुझसे बहुत मैसेज करके ना पूछ रहे हैं कि भाई यूरोप में का ये कुछ करना हो या जॉब या स्टडी या कोई काम करना हो तो वहाँ के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो मैं जो मोटिव है वीडियो बनाने को यही है कि आप सब लोग बताना कि ही कहाँ कहाँ आप अपना फ्यूचर में कर सको हो, कहाँ ना कर सको हो। देखो पहले भाई, जो पहली बात है, मैंने जो पढ़ाई है वो करी है सिकरावा स्कूल से। मतलब भाई एक मिडिल स्कूल है वहाँ से करी ही, मतलब ना तो ज़्यादा हाई लेवल है कोई, बस ठीक है वहाँ बैठन, बट पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ। और वहाँ के बाद फिर मैंने कोटा चलो वो 11th 12th वहाँ से करी ही कोटा से। वहाँ के बाद फिर मैं सीधो भाई ही ना हो 2017 में मेरे बैच चालू हो गए हो। तो वहाँ के बाद अब मेरी ही 6th साल है यूक्रेन में MBBS करते करते, और मैं हुजगरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ ही भाई। अब मेन है जो कि हम कहाँ करें इंडिया में। हमने जैसे 10th पास कर ली और फिर वहाँ के बाद हमने 12th पास कर ली, हम ना सोचें कि हमने कुछ करना चाहिए। हम 10th पास कर से ही कहाँ सोचें कि ITI करेंगा, BA करेंगा, वहाँ करेंगे। हम कभी ना सोचे कि हमने अब्रॉड में भी परस्यू करना चाहिए कि हूँ बहुत भाई हीन। अगर तुम आओगे ना कोई भी कोर्स चूज करोगे या काई भी हो, मैं सबसे पहले बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगे कि तुम हीन कहाँ कर सको फ्यूचर में आगे जाके। जब बाहर निकले ना इंसान को दिमाग तब ही चलेगा कि हम कहाँ कर सकें कहाँ ना कर सकें। अब काई को मन ना करे घर छोड़न लो भाई, समन को भी मन ऐसे ही रहे कि भाई गामन में सबन को ही मन लगे। अगर तुम थोड़ा सा लिखड़ोगे ना तो लाइफ के बारे में अपना खुद से एक्सपीरियंस ना करोगे तो पता अलग से कहाँ करना हो। अब तुम लोग एक चीज़ बात बताऊँ तुम लोग, सबसे पहले ना जब 12th कर लियो, जैसे यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मन है भाई, यूक्रेन है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, जहाँ की मतलब पहले सर्च करो कि करेंसी सबसे ज़्यादा हाई कहाँ की, फिर वह कंट्री के बारे में सर्च करो कौन सी लैंग्वेज बोली जावे। तो इंडिया में ना हर लैंग्वेज सिखाई जावे। सबसे पहले तो हर पहला मोटिव होना चाहिए कि तुम लैंग्वेज सीखो 12th के बाद। फिर हूँ के बाद तुम ना आराम से अगर तुम पे जैसे जर्मन की लैंग्वेज आ रही है ना डच, तुम हूँ अप्लाई कर सको एजुकेशन लो। और हूँ एजुकेशन फ्री है जहाँ तक मैंने सुनी है, और हूँ सबसे ज़्यादा रुपये मिले हैं सैलरी वैलरी। तुम बस हूँ तक ही रह जाओ 12th करके, यार चलो यार टेस्ट दे लूँ या एंट्रेंस निकाल लूँ ठीक है, बट घर से बाहर निकलोगे ना बहुत ज़्यादा उड़े। और भाई मैं तुम लोग एक और बात बताऊँ, सबसे पहले ना तुम इंग्लिश पे ध्यान दे करो। देख मैंने ना करो कि मैं परफेक्ट हूँ इंग्लिश में, अल्हम्दुलिल्लाह मुँह पर आवे है, मतलब कि ठीक है मैं काय से भी कम्युनिकेट कर सकूँ इजीली काय भी देश में काय भी कंट्री में जाकर कोई भी एक्सेंट में। तुम इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करो करो क्योंकि यू है यूनिवर्सल लैंग्वेज जहाँ हर जगह बोली जावे। बाकी और लैंग्वेज के बारे में बाद की बात है। तो हर जो मेन मोटिव है ना कि अगर तुमने यूरोप मानो सबसे पहले होना चाहिए कि मैं हूँ कि लैंग्वेज सीखूँ। अगर तुम लैंग्वेज सीखोगे ना बहुत फ़ायदा रहेगा, जो मतलब डेवलप कंट्री में जॉब कर लो। देखो कनाडा हुआ, USA हुआ, इंग्लैंड हुआ, इनमें तुमने कहा कि आईलेट्स क्लियर करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इनमें आईलेट्स देना पड़ेगा। हीन कहा कोई आईलेट्स ना है, तुम नेट पर जाओ वह मैं कोर्स यूनिवर्सिटी ने सर्च करो कि जर्मन में कौन कौन सी है, हूँ इंग्लिश कोर्स कौन सा है। तो मैं तुम लोग पता यूरोप का कहीं बता रहा हूँ हीन, तुम ना पढ़ाई के साथ साथ खुद पार्ट टाइम जॉब भी कर सको, अपने फीस भी निकाल सको और भी कर सको हो। मेरा मान यूक्रेन में रह रहा हूँ भाई, मैं ही मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ MBBS की ही। इतनी एक अमीर कंट्री ना है जैसे तुम जर्मन है, स्लोवाकिया है, हूँ जाओगे हूँ कहा यूरोप बहुत हाई है, ही के लोग भी हूँ का मान लो जाओगे। तो मेरे हिसाब से तुमने ऐसी डेवलप कंट्री ढूंढनी चाहिए कि जहाँ की लैंग्वेज से कुछ भी हुआ मतलब लैंग्वेज के बारे में सर्च करके, और भाई कहाँ है कहाँ सिस्टम ना, सबसे पहले वहाँ की चीज़ तक तह तक जाकर हो। बस मेरी बात तक सीमित मत रहो यार, मेरी बात सो आगे निकलना के सोचो। तुम ने सोचो कि घर बैठ के सब चीज़ हो जा इजी ना है, तुम ने सोचो कि हूँ चला जा कि बोलो ये जॉब मिल जाओ। थोड़ा बड़ा सोचोगे ना तो कुछ अलग बड़ो ही देगा, कुछ अलग करना के सोचो। अगर तुम बाहर जाओगे ना बहुत अपॉर्चुनिटी है तुम लोग, अगर मेरी बात में हो गया इंडिया में तो इंडिया तक ही सीमित रह जाओगे। बाहर जाओ और पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है काय विदेश की अगर तुमने जाना हो तो। अगर तुम जर्मनी जाओगे ना उनकी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और मैं तुम लोग पता कौन सो कंट्री सजेस्ट करूँगा बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जर्मनी, रुपया के हिसाब से और रहने के हिसाब से भी। हूँ पता क्या है, अगर तुम पे वाकई डच लैंग्वेज आ रही है ना तो तुम कुछ भी कर सको हूँ, फिर कुछ भी हूँ की पढ़ाई भी फ्री है, सब चीज़ फ्री है।
जैसे स्पेन पोर्तुगल जाओ, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ मतलब इंग्लिश में कोर्स होएगा तुम्हारा, बट तब हूँ के लोगों से कैसे कम्युनिकेट करोगे, ना पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे, अगर मान ले तुम रेस्टोरेंट में जा रहे हो हूँ भी काम ना कर पा सो, बहुत सी चीज़ रहे हैं जो तुमने देखने पड़ेंगे। या मारे मैं कह रहा हूँ कि तुमसे एक बात, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ना हूँ, तुम्हारी बहुत कमेंट आ रही है हमारे डाल रहा हूँ, अब मोर सुनो मत कहो ज्ञान चोद रो या कुछ कर रो, ऐसी कोई बात ना है, मैं तुम लोग ज्ञान ना पिल रो, बस मैं चाह रहा हूँ मेरे दिल से सच्ची में ख्वाहिश है कि मेवात का बाड़ा कहीं आगे जाए। अब तुम इमेजिन करो तुम कई कंट्री में पहुंच गए, अब तुम हूँ जॉब कहाँ कर सको, अगर भाई तुम जब पहुंच जाओगे ना तुम ये बात खुद एक्सपीरियंस करोगे, तुम्हारा दिमाग काम करना लग जाएगा अपना आपकी, मुँह कहाँ करना कहाँ ना करना, इन कैसे रुपये कमा सके कैसे ना। जैसे हमारे ड्राइवर भाई है, अगर कोई 12 पढ़ा है, जैसे कोई BA करके भी ड्राइविंग लाइन में जा रहा हो, भाई तू मेवात में चला रहा हो ठीक है, बस थोड़ा सा लगा कि मुझे ज़्यादा कमा रहा हूँ, हमारे सब सऊदी लुई का इल्जाम है इनमें कि ना इन कंट्री में, तब भाई एक साल लैंग्वेज सीख लियो ने, 1 साल 3-4 महीना मेहनत करोगे लैंग्वेज सीख के अप्लाई कर दियो। हेन इतना आम आदमी अपना जो जॉब करे ना इंडिया में, कोई मास्टर या उल्लू की एक सैलरी ना मिले जितनी एक ड्राइवर की सैलरी है, ड्राइवर एक महीना के 4-4 हज़ार यूरो कमावे, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जावे ही के ड्राइवर नॉर्मली। भाई एक और बात, जैसे कोई भाई या कोई भी जैसे ही सो यूक्रेन सो स्टडी करना की सोच रहे हो कि मुझे मेडिसिन में पढ़ाई पढ़नी है करनी है, और भाई और जैसे कि मुझे और कोई कोर्स करना और कोर्स इनकी मुझे नॉलेज ना, बट मैं तुम लोग MBBS की बात बताऊँ, तुमने जैसे 12th पास कर ली, तुमने नीट दिया, नीट में 120 नंबर होना जरूरी है OBC कैटेगरी के मारे या जनरली OBC, वा के बाद तम ही मतलब एक MCI को क्राइटेरिया रहे वह फुलफिल करोगे कि MCI क्राइटेरिया, फिर वहाँ के बाद तम ही आराम से कोई भी एजेंट या कोई तहार जानने वाला एजेंट से कंसल्ट मत करियो, मेरी सलाह यू है, जैसे तहार कोई जानने वाला भाई है बाहर है रिश्तेदारी वहाँ से कॉन्टेक्ट करियो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वहाँ के बाद वो तहारो ही एडमिशन करा देगा, अपना हाथ अनसुई फीस वीस जमा करनी पड़े सब ही, कोई ऐसा फ्रॉडबाजी ना कि तुम्हारा रुपया न खा जाएगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत ना, बट तम गाय के चक्कर में मत पड़े, बस मेरा कहना का मतलब ये है कि। और वहाँ के बाद हीन आ गया यूनिवर्सिटी, भाई हीन है जैसे यूक्रेन में यूक्रेनियन लैंग्वेज बोली जावे, हीन 4 साल यूक्रेनियन लैंग्वेज मतलब पढ़ावे तो इंग्लिश में ही है, सब सब्जेक्ट जैसे A to Z 19 सब्जेक्ट इंग्लिश में रहे, बट हीन एक एडिशनल सब्जेक्ट कुछ एडिशनल सब्जेक्ट रहे हैं वो, हीन जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज 4 साल तक पढ़ाई जावे। अब रही पॉइंट कि मैं कि ना सीखो यूक्रेनियन लैंग्वेज, ये तुम्हारा इंटरेस्ट के ऊपर है कि तुम्हें सीखनी है कि ना सीखनी, जैसे कम्युनिकेशन हमने कभी कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करी, जैसे अब मैं वीडियो को मारे कम्युनिकेट करूँ तो मैं 1 महीना घनी सीखो आराम से सीख जाऊँगा, लैंग्वेज कोई बड़ी दिक्कत ना है, बट तुम पहले अपना माइंड बनाओ कि तुम करना कहाँ चाह रहे हो, दुनिया के मत सुनो, जो तुम्हारे मन में आवे ना वाह करो, तुम दुनिया के ऊपर लगोगे ना कुछ ना कर पाओगे, यह बात याद रखियो मेरी है, नो सोचो कि तुमने कहाँ करना हो। अगर हम यह बात है मेरे शुरू से हो कि मुझे डॉक्टर बनना हो, मैं बचपन से बात कह करो कि भाई डॉक्टर बनना, अपने लगा लियो वो अपनीट ना हुए भाई, भाई मेरा ड्रीम हो कि मुझे डॉक्टर बनना, भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने एफर्ट्स करे है मोलो, मैं हीन भेज दो, मैं पढ़ रहा हूँ फिर ही सुझाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो MCI दी तो MCI क्लियर करके डॉक्टर बन जाएंगे, हो गया ना। अब 2023 में या 24 में नेक्स्ट आएगा, वहाँ में जो इंडिया से कर रहा है और फॉरेन से करो सब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया वाले भी नेक्स्ट देंगे फॉरेन वाले भी, तो भाई नो मत सोचो कि भाई मुझे तो नीट निकालने, कोशिश करो नीट निकालने की, अगर तुम्हारे पे इतने रुपया हो रो है कि तुम कर सको फॉरेन से, भाई मैं तुम लोग सजेशन दूंगा फॉरेन आओ, मेडिसिन की पढ़ाई ही से पढ़ो और भाई बात बराबर ही हो जाएगी, जैसे ही तुम MCI क्लियर करोगे FMGA तुरंत इंशाल्लाह तुम लोग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वहाँ के बाद तुम भी इंडिया में डॉक्टर रहोगे। और भाई जरूरी मैंने ना कह रहा कि तुम इंडिया ही जाओ, और भी ऑप्शन है कि और दूसरी यूक्रेन से या कहीं से स्टडी करके कहीं दूसरे कंट्री चले जाओ, बहुत है बहुत ऑप्शन है, लैंग्वेज सीख लियो साथ साथ, जैसे तुम कुछ और लैंग्वेज सीख लियो का एक बढ़िया सी कंट्री चूज करके वहाँ चले जाओ, भाई ये ना कि ये कंपलसरी ना कि तुम इंडिया में ही जाके जॉब करो कि इंडिया एक दुनिया कहाँ कहेगी तुम MCI में ना, अगर यह चीज़ सोचोगे ना अपने माँ बापन लोग, सीधी बात दुनिया की मत सुनो, सब चीज़ें अपने माँ बापन से डिस्कस करो कि तुमने कहाँ करना है कहाँ ना करना लाइफ में, मैन एक चीज़ है। दूसरी बात भाई मेरा एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, तुमने ठीक है भाई सब हर काम करो लाइफ में, हर काम करो, अल्लाह भी याद रखो, माँ बापन से इज्जत करो, उनकी दुआ लियो, बट मेरा एक ही वो है तुमसे रिक्वेस्ट,
तब ने पहले से ही एक एम बना रखो कि मुहे ई करनो और वो एम तुम्हारो चेंज ना होना चाहिए, बस एक ही चीज़। अगर तुम बहुत सारी चीज़ चूज करोगे ना कन्फ्यूज हो जाओगे और कुछ ना कर पाओगे। एक ही रखो दिमाग में कि मुहे ई करना हो भाई। जो जो चीज़ ही मैंने बता दी और तुम या के बारे में ना नेट पर रिसर्च करो यूरोपियन कंट्री के बारे में कौन सी बढ़िया है कौन सी ना है। तो आज का व्लॉग भाई इन्हें एंड कर रहे हैं, और जब भाई ने सब्सक्राइब ना करो वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो, और भाई इंस्टाग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा भाई, जाकर फॉलो कर लियो।